हाई, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है रस्म दुनिया, और आज हम रस्म दुनिया की 13th और 14th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद व्हाट आई लव अबाउट रस्म दुनिया, देन आई एम गोना गो ऑन टू से व्हाट आई हेट अबाउट रस्म दुनिया। व्हाट आई लव अबाउट रस्म दुनिया इज दैट ऑल द एक्टर्स आर अमेजिंग। समी खान एस्पेशली इज अमेजिंग, सो इज अर्मीना खान। दोनों का जो स्टोरी लाइन है, मैं पहले भी उस पर बहुत बात कर चुकी हूँ, बेस्ट स्टोरी लाइन है पूरे प्ले की, एंड उन दोनों की एक्टिंग भी इसमें कमाल है। दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग। एंड समीना पीरज़ादा एंड जावेद शेख एंड निदा मुमताज, देयर सच वेटरन एक्टर्स के आप परफॉर्मेंसेज पे ही रिविटेड हो जाते हैं। सो दैट्स द रियली रियली गुड पार्ट अबाउट रस्म दुनिया, द परफॉर्मेंसेज, द एक्टर्स, and that particular storyline between Hariba and Haya, which deals specifically with emotional abuse and parental neglect or parental abuse. What I don't like about Rasme Duniya, what I don't like about Rasme Duniya is basically how it's very, 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 very ridiculous at a lot of times. इस एपिसोड में तबरेज की वाइफ जो है वो अपनी नसें काट लेती हैं, like what? Who does that? Nobody does that. If they do it, they're mad. नसें काट लेना इतनी रैंडम बात नहीं होती, और उनके कैरेक्टर को हमने बड़े अरसे से देखा है कि वो बड़ा ही स्टेबल सा, समझदार सा, और मैं अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहती। सो लाइक नसें काट के आप परेशान नहीं करें किसी को, सो या दैट्स लाइक एक बहुत ऑफ बात थी। एंड आई थिंक वो ऑडियंसिस को रिविट करने के लिए, और ये डबल एपिसोड में रिलीज हुई थी ये वाली 13th और 14th एपिसोड, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा उन्होंने ड्रामा डालने के लिए इसको डाल दिया था। बट बेटी के ससुराल वापस ना जाने की वजह से आप अपनी नसें काट लेंगी, दैट मेक्स नो सेंस। एंड देन द होल मामू का बेटा, वो शिजा से शादी करना चाहता है और वो सास बेवकूफ़ बना रही हैं बेटे को, और फिर सास जो है वो उसके बाद एक साजिश में मिला दिया है उन्होंने अपने उसको, और वो पैसे भी दे रही हैं। ओके, यू नो दैट माइट हैपन, बट एट द सेम टाइम जब बहू ने सुन लिया है तो फिर वो उनको बजाय ये कहने के यू नो व्हाट आर यू डूइंग एंड एक्सक्यूज मी यू नॉट गोना डू दिस एनीमोर, बजाय ये करने के वो कह रही है कि मैं आपका मान नहीं टूटने दूंगी और मैं आपका भरम नहीं टूटने दूंगी। सो दैट अगेन इज लाइक अ रियली फ्लॉड स्टोरी लाइन। सो टू सम अप, द गुड पार्ट इज द स्टोरी लाइन अबाउट इमोशनल अब्यूज। समी खान्स कैरेक्टर इज रिटन रियली वेल, जो उनका हारिब का जो किरदार है कि वो कैसे अपनी माँ से अप्रूवल लेने के चक्कर में वो सही गलत नहीं देखता, और उसकी रियलिटी भी कोई डिस्टॉर्टेड सी है जिसमें उसको अपना आप जो है बड़ा केयरिंग और वैसा भी लगता है, लेकिन वो जब गुस्से में आके वो जो बिहेवियर करता है वो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है। सो उसको कभी कभी इनसाइट आती है, उसको कभी कभी समझ आती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसके बाद फिर वो चली जाती है बिकॉज वो एक ओवरऑल डिस्टर्ब इंडिविजुअल है। सो दैट्स लाइक अ रियली एक्यूरेट एंड रियली वेल रिटन प्लॉट, बट वट हैपन्स इन द रेस्ट ऑफ द प्ले इज बियॉन्ड मी। मतलब वो बाकी सारी कुछ भी अगर वो थोड़े से और साउंड तरीके से लिखते, उसको इतना ज़्यादा मसाला ना करने की कोशिश करते, तो वो शायद काफ़ी अच्छा ओवरऑल राउंडेड एक काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती। वंस अगेन रियली गुड परफॉर्मेंसेज, स्टोरी लाइन, बट रियली रियली गुड स्टोरी लाइन विद रेफरेंस टू हारिब एंड हया, दैट्स हया पार्ट वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू, इट्स अ वेरी शॉर्ट रिव्यू। यू कैन कैच डिटेल्ड रिव्यूज ऑन patari.pk एंड यू कैन सर्च द नेम द रिव्यू विद महावश, वहाँ पे मेरी सारी पॉडकास्ट मौजूद हैं, वहाँ पे और भी आपके सारे फेवरेट ड्रामा सीरियल के OSTs मौजूद हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आप अगर ये वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप ये वीडियो इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक आवर फेसबुक पेज। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।